हाय गाइस, वेलकम टू सोहम क्लास। मैं पीयूष सर, आज बात करने वाला हूँ वोकैबुलरी के ही आइटम्स और फ्रेज के सेकंड पार्ट के बारे में। जैसा कि अब तक आप लोग ने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोपोन्स के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपने समझा, और कल की वीडियो मैंने आपको आइटम्स और फ्रेज के बारे में समझाया। और पूरी तरह अच्छे समझने के बाद जब मैंने कमेंट देखा तो पाया कि आप क्या है उसमें मांग किए हैं कि सर आइटम्स और फ्रेज के कुछ इम्पोर्टेंट और भी आप बता दीजिए। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो है आइटम्स और फ्रेज के ही मैंने यहाँ नोट्स किए हैं। आप इसको एक बार बहुत अच्छे समझने की कोशिश करोगे और उम्मीद करेंगे कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे, ताकि अब आपका आइटम्स और फ्रेज क्लियर हो जाए। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स आपको ये देने वाला है, तो आप कहीं चूक मत करिएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट बैग एंड बैग, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली। तो आपको यूज क्या करना है, ये सेंटेंस में यूज करना है। आप कह सकते हो कि माई ब्रदर मेरा भाई हैज लेफ्ट वाराणसी बैग एंड बैगेज। यानी कि मेरा भाई क्या बोरिए बिस्तर के साथ क्या वाराणसी छोड़ दिया। अब आप सेकेंड की बात करते, सेकेंड में है कि क्रोकोडाइल टीयर्स यानी फॉल्स यानी झूठे आंसू कहते हो। ये क्या मगरमच्छ के आंसू रोना, वही इंग्लिश में भी है क्रोकोडाइल टीयर्स। तो क्या लिख सकते हो कि मेनी उमेन सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ हर डियर स्टेपसन। इधर लिख दू, उधर दिख नहीं रहा है आपको, इधर लिख दिया हमने। तो डेथ ऑफ डियर स्टेपसन, यानी बहुत सी औरतें क्या हैं अपने क्या स्टेपसन सौतेले पुत्र के मृत्यु पे घड़ियाली आंसू बहाती हैं। जाहिर सी बात है ये तो सोशल है। अब क्या है, फेयर एंड स्क्वायर, तो मतलब ऑनेस्ट। तो हमें आप कहते ना हमें ईमानदार होना चाहिए, एक छोटा सा सेंटेंस क्रिएट तो कर सकते हो, क्यों लॉन्ग खींचने की जरूरत नहीं है। इतना आप सोचो कि बस मेरा सेंटेंस परफेक्ट हो रहा है कि नहीं, बनाने को तो बहुत लॉन्ग सेंटेंस बना सकते। ऐसा नहीं अभी सोचो कि सर छोटे छोटे सेंटेंस सर बना के दिखा दे रहे हैं। अरे आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपके माइंड को इतना कैप्चर्ड हो सके और आप उतने भी फुल मार्क्स ले सको। मैं लॉन्ग तो बना दूंगा लेकिन आप भूल गए तो क्या करोगे। तो फेयर एंड स्क्वायर ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, तो कह सकते हम ईमानदार होना चाहिए। तो वी फेयर एंड स्क्वायर। देखिए अब इन अ नट सेल, तो इसका मतलब होता है कि ब्रीफली यानी क्या संक्षेप में, यानी इन शॉर्ट इसको बोल दो संक्षेप में। तो संक्षेप में के लिए इन अ नट सेल, तो क्या संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं, कहते ना मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। तो कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू टेल यू इन अ नट सेल मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। अब आते हैं लायंस शेयर की, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट पार्ट यानी सबसे बड़ा हिस्सा। तो आप घर में जब रहते होगे तो आप देखते होगे कि आपके भाइयों के बीच किसी भी वस्तु को मांगने के लिए एक अजीब सी झगड़े होते रहते हैं। आप सोचते हो मैं ज्यादा खा लूं, वो सोचता है मैं ज्यादा खा लूं, तो उसमें कौन ज्यादा है। तो वो क्या लायन शेयर है, एकदम शेर की हिस्सेदारी, आप शेर बनने की कोशिश करते हो। शाब्दिक अर्थ तो मतलब है नहीं, बस आपके समझने के लिए था। तो लायन से नहीं ग्रेटेस्ट पार, तो कह सकते हो कि माई ब्रदर ऑलवेज
wants, always wants a lion's share, a lion's share in sweets, in a sweets. क्या मिठाई में वो क्या है, बहुत ज्यादा वो हिस्सा चाहता है, कौन, मेरा भाई। तो अब आते ट्रू एंड फ्रो, हियर एंड देयर, इसका अर्थ नहीं यहां और वहां। तो कह सकते तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, तो आप या सिंपल सेंटेंस ले ले, तो क्या ये भी तो कह सकते हो वह यहां वहां जा रहा है, तो इधर उधर वो फेंक रहा है। तो कोई भी सेंटेंस तो यूज करो जहां पे यहां वहां का अर्थ आ जाए, इधर उधर का अर्थ आ जाए। तो ऐसा छोटा भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो आप, बड़ा भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। आपके माइंड में सेंटेंस बन क्या रहा है ये डिपेंड करता है आप उसको ट्रांसलेट करते कैसे हो। तो देखिएगा, हम लिख सकते हैं दिस टाइम रोहन इज वॉकिंग टू एंड फ्रो। इस समय रोहन इधर उधर घूम रहा है। अब आ गए अप्स एंड डाउन्स, जिसका मतलब होता क्या है कि सक्सेस एंड फेलर, यानी सफलता और असफलता। तो कह सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन क्या है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो क्या कह सकते हो कि एवरी मैन हैज अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उतार चढ़ाव रखता है, किसी का ऐसा जीवन नहीं है जिसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव ना आए। कभी अच्छाई है तो कभी बुराई है, कभी मुसीबत है तो कभी बहुत खुशी है आपके जीवन में, यही उतार चढ़ाव है जीवन के हमारे। आठवां नंबर का पार्ट एंड पार्सल, जिसका मतलब होता है इसेंशियल पार्ट, यानी आवश्यक भाग। तो कह सकते हो क्या कि ऑनेस्टी ईमानदारी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गुड कैरेक्टर। क्या है, ईमानदारी एक अच्छे चरित्र का क्या एक अहम हिस्सा है। आप सही बात है कि आपके पास ईमानदारी और सच्चाई है, यही बहुत बड़ी बात होती है, ईमानदारी दिखा पाना आज के समय में, क्योंकि स्वार्थ भरे जीवन में ईमानदारी दिखनी बहुत मुश्किल होती है। तो अब क्या है, विथ ओपन हैंड, मतलब वार्म रिसेप्शन, यानी बहुत गर्मजोशी का सम्मान, यानी तो क्या कह सकते हो इसके लिए, कह सकते हो कि ही वेलकम्ड मी विथ ओपन हैंड्स। ओके, उसने पूरे क्या बहुत सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया। अगला है ऑन एंड ऑफ, ये मैं कहोगे कि इसे ऑन करना है और ऑफ करना है, नहीं, इसका मतलब होता क्या है, इररेगुलरली, यानी अनियमित रूप से। तो हम कह सकते हैं कि वह अनियमित रूप से स्कूल जाता है, आप अनियमित रूप से पढ़ाई करते हो, तो आप नियमित रूप से पढ़ाई करो, एग्जाम आपके करीब है, समझो इसे। तो ऑन एंड ऑफ, इररेगुलरली, अनियमित रूप से, तो क्या क्या, She goes to college, क्या on and off, वह क्या है, अनियमित रूप से स्कूल जाती है। तो इस तरह से आपका क्या है, कल के वीडियो में भी आपने पाया आइटम्स और फेज को, आपके बड़े रिक्वेस्ट में मैंने उस और भी इंपॉर्टेंट यहां नोट कर दिए, क्योंकि मैं पूरा इससे भी ज्यादा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिर भी मैंने इस आपको जो अब बच्चे वो अभी कह रहे थे मुझे समझ नहीं आया, अब तो मैं उम्मीद करता हूं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगर वे ये बोले कि सर मुझे अभी समझ में नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मेहनत में अभी कमी
रह गई है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको आगे इससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाली है। तो जिन लोगों को आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए गुड लक। दसवें में